थैंक यू सो मच जी जी। एक्चुअली ऑफकोर्स बहुत कम वक्त बिताया है और आई थिंक इन बच्चों के साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताओ उतना अच्छा, बिकॉज आई थिंक दे रियली इन्जॉय इट। एंड नए लोगों से मिलना किसे नहीं पसंद है, तो आई थिंक यू नो जब बच्चे किसी से मिलते हैं स्पेशली अगर कोई पब्लिक फेस है, आई थिंक दे रियली इन्जॉय दैट। एंड आई थिंक ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है आज, इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉज। एंड आई थिंक दिस वन कॉज इज समथिंग दैट वी नीड द मोस्ट, दैट इज़ यू नो हेल्प आर चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, स्पेशली फॉर एजुकेशन। बिकॉज वो कहते हैं ना, जब पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, तो आई थिंक उस हिसाब से दिस इज़ परफेक्ट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमारी जो माइंड होता है बहुत शैलो हो जाता है, और एजुकेशन ही एक वो माध्यम है जिससे यू नो एवरीथिंग बिकम्स लार्जर। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी आर प्रमोटिंग एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग इनिशिएटिव टेकन बाय And it's a beautiful thing, you know, a beautiful initiative taken by Vyom and of course designer Ritu Saxaria. I'm wearing her today and I'm glad that there are such people like this who are supporting such cause in a big way. You can see how the children are happy, they're enjoying their candies in summer, and all thanks to her. Would you like to say something? Yeah, this initiative ko aapne kis tarah se aapne design kiya aur kis tarah se aapne socha ki bachchon ko bhi support milna chahiye aapko? So I'm always like to be associated with girl children, and मुझे लगता है कि यू नो बच्चों को जितना कुछ दे दो वो कम है, हम तो सब चीज़ को वैल्यू भी नहीं करते हैं। एंड सो बीना इज़ अ को फाउंडर ऑफ एंजल एक्सप्रेस, और मैंने उनसे बात किया ऐसे लेके आओ, दिल मीट सना, दिल बी हैप्पी। एंड सो अभी वन मंथ वॉट एवर द सेल्स आर 10% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल विल ऑल गो टू द एंजल एक्सप्रेस फाउंडेशन, दैट्स वॉट आई डिसाइडेड टू डू। So that's it. Definitely. Actually, जब you know, of course, Sandeep is my very good friend, and the moment he asked me if I could do this, I said why not. And you know, there are times when some people call you and you know that what they're calling you for is gonna happen. I think that trust is very important, and I think that's the reason I'm here today, because I believe in all the noble cause, and I think मैं जितने भी noble cause से जुड़ पाऊँ, not just education but be any other, I will happily be part of it. Very nice thinking. इसके अलावा real life में जो आप initiative ये भी real life में फिल्मों में भी आप जैसे कि एक काफी अच्छे cause पर एक फिल्म बन रही है और एक फिल्म बना रहे हैं। ऑफकोर्स वो भी एक दूसरा नोबल कॉज है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न जब मुझे एक स्पेशल कैमियो करने मिला उनकी तरफ से, मैं बहुत एक्साइटेड थी, और डेफिनेटली मैं स्वच्छ भारत के 100% उसके साथ हूँ। और आई थिंक चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, स्वच्छ भारत शुड ऑलवेज बी द प्रायोरिटी, नॉट जस्ट बिकॉज वन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर इज़ प्रमोटिंग इट, बट आई थिंक दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग, दैट इज़ फॉर 10 years, 50 years, 100 years, चाहे यू नो हम रहे या ना रहे, वो होना, लोगों में जगह, हर चीज़ साफ रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक हाइजीन इशूज़ होते हैं, बीमारियों से आप बचते हैं। एंड ऑब्वियसली वे यू स्टे यू वॉन्ट दैट प्लेस टू लुक प्रिटी, हम फॉरन जाते हैं हम कहते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है वो, बट वैन वी कम बैक टू इंडिया वी डोंट रिस्पेक्ट आर कंट्री। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम ऐसी सारी चीज़ों में रहें। सो ऑब्वियसली वैन आई गॉट अ फिल्म आई वॉज लाइक चलो एटलीस्ट आई कैन यू नो इन अ वे इवन इफ इट्स स्मॉल आई कैन बी अ पार्ट ऑफ सम इनिशिएटिव दैट इज समवेयर हेल्पिंग इंडिया टू बिकम बेटर टुडे। जी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा। आई थिंक हम सब अक्षय के फैन हैं, मतलब मैं तो डेफिनेटली उन्हें स्कूल टाइम से देखते हुए आ रही हूँ, एंड जब उनके साथ स्क्रीन पे शेयर करने मिला आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड जैसे कि लोग जानते हैं उनको, ही इज़ अ प्रैंकस्टर, वो मस्ती करते हैं और वो आपको बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। सो आई थिंक आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग इन रियल, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ही नोज दैट यू आर शूटिंग जस्ट प्रॉबेबली फॉर अ डे। ऐसी बात कही हो, कही तो होगी आपको? नहीं ऑफकोर्स मैं ऑनेस्टली तो मैं तो ऐसे शिवर कर रही थी, मुझसे डायलॉग ऑब्वियसली आप जिस ऐसे मिले हो और सडनली आपको एक सीन करना है जो रोमांटिक है, और अक्षय कुमार मैंने जानती भी नहीं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक नर्वसनेस रहता है कि मैं कैसे करूँ, शुड आई टच हिम, योर बॉडी लैंग्वेज आपकी ना ऐसी फ्रीज हो जाती है, बट आई थिंक दैट वेज ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल। एंड जो एक लुक था बहुत इंडियन लुक है, एक विलेज गर्ल लुक है मथुरा का, सो इट्स अ वेरी अपोजिट लुक कम्पेयर टू माई पॉपुलर परसेप्शन दैट आई हैव राइट नाउ ऑफ बींग अ वेरी हॉट बेब। सो आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो वन थिंग दैट मेड मी टेक अप वेरी वेरी या वेरी वेरी रॉ कैरेक्टर। एंड साथ ही साथ
उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ जब मैं रेडी होके गई तो उन्होंने बोला आप एक काम करो पहले नथ पहन लो यू लुक मच बेटर आई वाज लाइक अच्छा देन द स्टाइलिस्ट स्टार्टेड रनिंग एवरीवेयर टू ब्रिंग मी अ नथ एंड आई थिंक द मोमेंट आई वोर इट आई एक्चुअली थैंक हिम आई सेड यू बॉट द कैरेक्टर टू द कैरेक्टर सो या सो दैट्स वेरी नाइस दैट यू नो वो सिर्फ अपने में नहीं थे बट यू नो इवन इफ आई एम अ स्मॉल पार्ट ही सॉ टू इट दैट यू नो वॉट कैन बी एडेड सो आई थिंक दैट्स नो वंडर ही इज सर्वाइविंग फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स एंड स्टिल रूलिंग इट सो आई थिंक या नेशनल यस आई डिड कंग्रेचुलेट हिम यस एंड आई थिंक आई एम श्योर ही मस्ट बी फीलिंग ग्रेट लाइक सारे अवार्ड छोड़ के डायरेक्टली नेशनल अवार्ड एंड आई थिंक रुस्तम इज डेफिनेटली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म दैट आई सीन लास्ट ईयर एंड मुझे हमेशा से लगता था फिल्म देखने के बाद कि आई रियली लव्ड हिम इवन व्हेन आई मेट हिम ऑन द फिल्म सेट द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम इज दैट आई लव्ड यू इन रुस्तम बिकॉज आई थिंक मुझे कोई भी यूनिफॉर्म की जो भी फिल्म होती है विच इज़ बेस्ड ऑन एनी यूनिफॉर्म यू नो चाहे वो यू नो यू बी अ लॉयर यू बी अ डॉक्टर एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ नेवी ऑफिसर आई थिंक इट समवेयर टचेज यू ऑन अ पेट्रियोटिक लेवल सो आई थिंक दैट्स वॉट टच्ड मी इन द फिल्म एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही गॉट एन अवार्ड फॉर दैट So yeah, and I hope good films keep getting award, yeah. And last question I want to ask. Toilet ek break ka tha ki baat. Jee. Aur usi filmon mein, kisi dusre platform mein aap. Jee, definitely. Main ek Tamil film kar rahi hu abhi. Simbu ke saath mere jo mentor the. Then I'm doing a music video with T-Series, which is a dance number. And then there's one more film, but for that I am just waiting for the balance 20% to be finalized so that I can talk about it. But I'm definitely very excited about it, and I hope that everything goes positive. Did you watch Bollywood? No, I'm gonna watch it today. In which version? Tamil, Telugu? No, I'm gonna watch it. I understand Tamil also, so I can also watch Tamil. But I think I'll watch Hindi. Well, we started this in 2012, and I started with my partner Anubha Sharma. And both of us were in a professional line. And there comes a time in life when you want to do something different and something more meaningful in life. And I think both of us were in that stage of our life. So we started this, and the concept is to teach children who are going to BMC schools and who don't have good mentoring at home. And they can't speak English, which is a basic requirement to stay in a city like Mumbai. So that was the idea, to be able to teach them English and then maths, of course, which is also the basic requirement. And more than that, we do a lot of holistic teaching. We do make them, you know, children who can face the world and be independent, because all of them are first generation learners in English. So, and we thought that this is a good opportunity and this is a good idea. And more than that, I feel the idea was started by us, but we have got amazing, I can't say how much, response from the Mumbai citizens and the public. And we, like, you know, people say Mumbai is a place where people don't have time. But here I can see the volunteers and the people coming out of their houses from their busy schedule and giving out such a precious time and coming to teach and to come in and volunteer with us. So that has helped us grow very fast. It's a हमारा एसोसिएशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ पब्लिक और इन टर्म्स ऑफ See, a lot of corporates have come forward to help us, because that has helped us grow, that has helped us get some funding, and that is the basic requirement to run this organization. So a lot of CSR has happened, a lot of public have helped us in, the growth has happened because of the contribution of all the people around us. So, see, these are the big, you know, children don't get the opportunity otherwise to, because they see the film stars on TVs, and so there's always an awe, there's always a kind of a feeling ki one day I want to become like that. So this, all children come through that feeling, you know. So when they see them personally, I think the inspiration and that kind of what is required for them, that they are also human. Because that is something very important, you know. Otherwise you always feel something which they cannot touch, they cannot feel, you know. So that kind of a feeling is there. So I think it's a nice initiative by them. Hi. Thank you so much. So, thank you. Thank you so much. Yeah.